कालसी वन प्रभाग क्षेत्र की तिमली रेंज वन विभाग शिकारियों को लेकर अलर्ट नजर आई है। बता दें नववर्ष के मौके पर शिकारी जंगलों में शिकार करने का प्रयास करते हैं। वहीं देखा जाए तो नववर्ष मनाने के लिए ज्यादातर लोग जंगलों का रुख करते हैं। तिमली रेंज के वन क्षेत्रीय अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि तिमली रेंज क्षेत्र में कुछ संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है और ऐसे चिन्हित स्थानों पर वन विभाग द्वारा पिकेट लगाकर सघन चेकिंग भी जारी है। विकास नगर से राहुल सिंह की रिपोर्ट। नए साल के अवसर पर बहुत सारे लोग अपना पिकनिक वगैरह का प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसी समय ऐसा भी रहता है कि कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ में, कुछ तांत्रिक वगैरह विद्याओं में कुछ वाइल्ड लाइफ के शिकार की संभावना बढ़ जाती है। तो उसमें हमने ये कर रखा है कि यहाँ पर जितने भी हमारे संवेदनशील पॉइंट हैं वहाँ पर हमने अपने गश्त पिकेट लगाई हुई है, जो कि दिन रात वहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं, और लंबी दूरी की गश्त और हमारी छोटी दूरी की गश्त भी हमारे द्वारा की जा रही है। जी वैसे रूटीन गश्त तो हमारी हमेशा ही चलती है, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नव वर्ष आने वाला है और बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं वो घूमने निकलते हैं, उनके आड़ में कई असामाजिक तत्व और जो अपराधी किस्म के व्यक्ति होते हैं वो जंगल से बाहर भी कई प्रकार के वन अपराधों को अंजाम देने के प्रयास में रहते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम कम से कम वन अपराधों की घटना को मतलब फेस करें, और अगर कोई घटना हमारे सामने आती है तो हम तत्काल उसे पकड़ सकें और आगे की कार्रवाई कर सकें।